हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अमित कुमार पांडे और मैं आप सबको मैथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काम और समय। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो हम कितना कम समय में जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अब। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है काम और समय का। ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को मिलकर एक साथ करें, यानी दोनों इस काम को मिलकर एक साथ करें, तो वे कितने दिनों में इस काम को समाप्त करने में सक्षम होंगे। यानी हमें यहाँ पे बताना है कि वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी हमें दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड, ए एक काम को 36 दिनों में कर रहा है, यानी बड़ी संख्या कौन सी है 36। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो हम यहाँ काम टोटल कितना मान लेंगे 36, जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा होगा पूरा काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं पूरा काम। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास पूरा काम 36। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना हो गया 36। अब देखते हैं ए एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 36 काम है तो वो 36 दिन ले रहा है पूरा करने में। तो ए का कार्य हो जाएगा आपका ए 36/36। ठीक है, और बी इसको कितना टाइम ले रहा है, बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। मतलब बी, देखिए लिखा है बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करना है, यानी 36 काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 36 काम को वो 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये देखिए, हमारा जो काम निकल के आएगा ये एक दिन का काम होगा, तो हम यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए एक दिन का काम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा निकल के आएगा क्या आएगा, एक दिन का काम निकल के आएगा। तो 36 में हम भाग दे दिए, कितना आ गया एक, 12 से भाग दिए 36 में, तो कितना आ गया 12 3 36। ये ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक, दोनों मिलकर एक दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए एक काम कर रहा है एक दिन में और बी तीन काम कर रहा है, तो कितना काम हो गया चार काम हो गया, 1+3=4 काम। दोनों फ्रेंड देखिए, एक दिन में ए एक काम कर रहा है और बी तीन काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम ये कर रहा है और तीन काम ये कर रहे हैं, टोटल काम कितना हो गया चार। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें दिनों की संख्या बतानी है, तो पूरा काम करने में लगा समय, ठीक है फ्रेंड्स, समय या दिन। पूरा काम कितना है हमारे पास 36, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं चार, तो चार से भाग दे दिए कितना आ गया 4 8 32 4 9 36, यानी 9 दिन, और यही हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि वे दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो पूरे काम को कितने दिनों में मिलकर समाप्त कर रहे हैं 9 दिनों में। समझ गए, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, यह क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देखिए, आपको समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।